इसमें अभी क्वेश्चन कर लिए काफी सारे, इसमें ए एक्स प्लस बी का क्या आएगा, ए कॉन्स्टेंट एक्स का वन और बी का थ्री, इसमें थ्री। अब ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा इस तरह से ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा, डिवाइड रूल क्या कहता है, सी एक्स प्लस दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है, उधर बैठना पड़ेगा, ये आएगा सी एक्स प्लस नीचे तो इसे स्क्वायर करना पड़ता है, नीचे वाले का तो पावर आ गई इसके पास, ऊपर जाएगा सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, किसको डिवाइड करेगा ए एक्स प्लस बी को, फिर माइनस हो गई पावर, फिर ए एक्स प्लस बी एस डिवाइड कर देगा इसका। अब इसका करें हम लोगों ने दोनों ए एक्स प्लस बी का भी करा, आया कुछ चैनल समझ में? Yes, yes. अब देखो इसका करके दिखाओ, साइन एक्स प्लस ए डिवाइड एस ऑफ साइन एक्स प्लस ए, आया पहले तो ये एक्स नहीं है, इसको एक्स एज्यूम कर लो चैन के हिसाब से, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, अब जो एक्स नहीं था उसको दोबारा करो चैन ने कहा, उसको दोबारा डिवाइड एस करो जो एज्यूम किया हुआ है, डिवाइड एस किसका एक्स प्लस ए का, तो कॉस एक्स प्लस ए एज इट इज, एक्स का डिवाइड एस एक्स का वन, ए का कॉन्स्टेंट जीरो, तो यहाँ पे डालना है कॉस एक्स प्लस ए, कैसे तुम्हारा आंसर क्या आया, टू कॉस ए कॉस एक्स, टू कॉस ए कॉस ए कॉस एक्स, फॉर्मूला बोल दिया था तुमने, क्या बोला फॉर्मूला, साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, इसको डिवाइड करना है, कॉस ए कॉन्स्टेंट बाहर, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन ए कॉन्स्टेंट बाहर, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस लगा दिया, अब ये इसका फॉर्मूला बन गया कॉस, एक फॉर्मूला होता है कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो बन गया कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस, ये प्लस का होता है, जिसमें माइनस होता है तो प्लस आता है, प्लस होता है तो माइनस, सेम आएगा आंसर, सेम आएगा, हाँ कॉस एक्स प्लस वाई का cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन y, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ठीक है, इसके बाद ये करो डिवाइड ये रूट एक्स का, डिवाइड ये रूट एक्स, ठीक है, डिवाइड एस करके दिखाओ, वन अपॉन रूट एक्स का, सर
रूट एक्स वाला बता दूं, अगर तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, रूट का मतलब होता है पावर वन बाय टू। अब पावर वाला फॉर्मूला लगा दो, उधर बैठ जाओ, यहाँ से दिखता नहीं है इधर से। अब क्या करोगे मतलब पावर एज इट इज और एक पावर कम, तो ये वन अपॉन टू एक्स की पावर आधे में से एक चला जाएगा, तो क्या बचेगा उधर बैठ जाओ, माइनस का वन बाय टू, हाफ माइनस वन इक्वल टू माइनस वन बाय टू। अरे बात समझ में, हेलो हेलो सर, हाँ क्लास ले रहा हूँ सर, हाँ अब ये वन बाय टू नीचे आएगा तो बन जाएगा प्लस का वन बाय टू एक्स की पावर वन बाय टू, वन बाय टू का मतलब रूट एक्स। भाई बात समझ में ये आया भाई ये वाला? इसको खुद से करके देखो, इसमें रूट का मतलब वन बाय टू, नीचे वाला कोई फॉर्मूला नहीं पता हमें, ऊपर ले जाते हैं इसको, एक्स की पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, लगाओ फॉर्मूला, आंसर बताओ क्या आंसर, माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स क्यूब अंडर रूट एक्स की पावर, माइनस वन एक्स की पावर अंडर रूट थ्री बाय टू लिख दो, ये आंसर आना चाहिए। डिवाइड फोर रूट एक्स माइनस टू का लगे फोर रूट एक्स माइनस टू, ये करो पहले ये वाला कर दो, ठीक है डिवाइडर लगाएंगे एक्स अपॉन साइन की पावर एन एक्स, टू अपॉन रूट एक्स, डिवाइडर लगाएंगे इस पे, हाँ जी या पहले पावर वहां फिर पावर एक कम, ये तो थी इसमें से एक
टू वन जा टू प्लस वन थ्री, ऊपर क्या आएगा एक्स की पावर थ्री माइनस का थ्री बाय टू, और नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस का थ्री बाय टू, जो वन बाय टू ये रहा माइनस ये रहा, ये है हाँ तो सही होगा। इसका अलग अलग डी बाय डी एक्स कर दीजिए, अलग अलग फोर रूट एक्स का टू का अलग, और बाहर दुका दुका जीरो जीरो रूट एक्स का भी करा था क्या था हाँ वन अपॉन टू रूट एक्स ये भी करा था पीछे, तो ये लिख दिया फोर इनटू वन अपॉन टू रूट एक्स, तो फोर से टू से फोर टू से इसमें डिवाइड रूल लगाएंगे, साइन की पावर एन एक्स का भी कराया था स्टार्टिंग में, डिवाइड रूल लगा दीजिए आ गया ये वाला प्रोडक्ट रूल लगेगा इस पे एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू कोस एक्स पे, इसकी बनती है बात डिवाइड रूल है, पहले नीचे क्या लिखू नीचे वाले का होल स्क्वायर साइन एक्स का पावर का होल स्क्वायर, फिर ऊपर क्या लिखू यहां साइन एन की पावर एक्स एज इट इज, इसका डिवाइड एक्स का, फिर माइनस किसको एज इट इज रखू एक्स को, फिर डिवाइड एक्स करूं और साइन एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, और फिर चैन रूल के हिसाब से साइन एक्स को दोबारा से क्या आएगा अपॉन नीचे से ये स्थान करा गया, इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक ये हो गया एक ये हो गया प्रोडक्ट रूल, ये लगाओ प्रोडक्ट रूल
ये करो इसका आंसर पहले क्या किया आएगा माइनस का साइन फिर प्लस फिर किस पर एज इट इज बोलो सही मूड एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिवाइडेड एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x और प्लस इसका मान का जीरो तो ये आ जाएगा ये करो फिर क्रिया करो कौन सा ये अच्छा आवाज कौन से पे हो गया ये डिवाइड रूल प्रोडक्ट रूल एक ये है मल्टीप्लाई में ये है बताओ क्या ये करा क्या है ये करा है बता दो देखिए नीचे डिवाइड रूल लगेगा थ्री का नीचे वाले का नीचे वाला एज इट इज इसका करना है डिवाइड डायरेक्ट कर दो देखो पी है एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x क्यू कॉन्स्टेंट है एक्स का क्या आएगा आर कॉन्स्टेंट है जीरो बात खत्म माइनस फिर इसको एज इट इज रखना ए एक्स प्लस बी का ए भाग ए एज इट इज रहेगा एक्स का क्या आएगा बी का जीरो ये आंसर आ गया इसका आई बात समझ में इसको देख लो इसको कैसे करोगे इसमें लोगे एलसीएम पहले तो ये बनेगा ऊपर एक्स प्लस वन ये एलसीएम लोगे एक्स माइनस अब एक्स प्लस वन है एक्स माइनस वन है डिवाइड रूल लगा देना सर पेपर में भी ऐसे डायरेक्ट करते हैं हाँ और क्या होगा ये कॉस पाई बाय फोर कितना होता है वन अपॉन रूट टू तो ये वन अपॉन रूट टू होते हैं भाग ले लो पी बाय डी ऐसे ठीक डिवाइड रूल लगाए आसान सा है इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा ए को एज इट इज इसका करेंगे ए एक्स प्लस बी को एज इट इज इसका करोगे तो 2 सी एक्स 2 बाहर और सी एक्स प्लस डी
इसका कम से क्या था आपने, ये एक्स मान लिया, टू एक्स आ गया, टू एक्स सी एस प्लस डी का दोबारा से सी, फिर प्लस, फिर ये सी एस प्लस डी एज इट इज, और एक्स प्लस डी का आगे बात कर रहा हूं, इसमें पावर ऊपर ले जाओ, ए बाहर किसका करेंगे डिवाइड एक्स, एक्स की पावर माइनस फोर, बी बाहर डिवाइड एक्स किसका करेंगे ऊपर चला जाएगा माइनस टू, फोर का क्या आता है माइनस साइन, तो यहाँ माइनस साइन, एक्स की पावर फोर का बताओ आवाज, फोर माइनस फोर, एक्स की पावर फोर माइनस वन माइनस का पांच आ जाएगा, ठीक है एक्स की पावर माइनस टू का बताओ आप, माइनस टू ऐसे ही, एक्स की पावर माइनस थ्री, नीचे ले जाना प्लस हो जाएंगे, बात खत्म, ये करना है, ये मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस कराए मैंने अलग तरह के, अब मिसलेनियस के जो कुछ क्वेश्चंस हैं सबसे सब कर लो जाके, 30 क्वेश्चन टोटल है मिसलेनियस में, 12-15 मैंने करा दिए हैं, 10-15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, सिंपल वाले जो मुझे लगे कि कराने चाहिए यहाँ करा दिए, ये आप लोग खुद से कर ही पा रहे हो, ठीक है नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे।